Hello and welcome. In the first lecture of normal subgroup, we have seen one definition of normal subgroup and its one lemma. So quickly we will revise definition of normal subgroup. Kya tha us definition mein? What is your understanding of normal subgroup according to definition, and who is N subgroup? Of a group G, and this subgroup is said to be normal. Normal if कोई भी एक element लीजिए, you take any one element, कहां से लेंगे? जिसको normal subgroup बनाना है उससे लेंगे. तो यहां किसको आप बताने वाले हो normal subgroup? N को. तो यू टेक एनी वन एलिमेंट फ्रॉम द एन. सो यूजुअली वी आर कंसिडरिंग स्मॉल एन. लेकिन ये बड़ा अजब चक्कर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का. एन छोटा एन के बजाय आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो. ए बी सी डी में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से आपकी मर्जी, बिकॉज इट्स नोटेशन. हाथ डालिए एन में, एक एलिमेंट को पकड़िए और लीजिए. हाथ में जो भी रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय सम लेटर. तो ये मैं बार बार n लिखता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो n ही होता है, सब यहां होता है. यही तो कमाल है प्रभु एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिर्फ नोटेशन पे नहीं चलता है. नोटेशन तो जरूरी होता है ताकि हम पेपर पे लिखे, सब तो खेल यहां है. दिमाग में एक ऐसा उसका एक विश्व तैयार होता है. तो आपको जिसको नॉर्मल सबग्रुप बताना है उसमें से आप एनी एलिमेंट लीजिए, एनी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सम लेटर. तो मैं एन से डिनोट कर रहा हूं ताकि पता चले कि वो एन एन मैच होगा. लेकिन बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल एन ही लिया जाए. बस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या नाम दिया है और वो कहां का एलिमेंट है, मेंशन भी करना होगा. ठीक है, एक एलिमेंट लिया. नाउ यू टेक वन एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिनल ग्रुप. नाउ हियर हु इज द ओरिजिनल ग्रुप? दैट इज जी. नाउ यू टेक वन एलिमेंट, यू कैन गिव नेम of that element also by any letter, x, y, z, h, g, whatever. So for the convenience, since it is a capital G, therefore I am denoting the element, any element of this G, by a letter small g. और उस letter को left से multiply कीजिए उस n को. अब ये जो इधर पधारे है ना, ये छोटा वाला जी, जो जी का मेंबर है, उसका आप इनवर्स भी लीजिए और उसको राइट से मल्टीप्लाई कीजिए. नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स
out of 3, 2 elements are from group G, this one and this one. And the middle element is coming from subgroup, that is capital N. And that element of capital N is denoted by small n. And this product of 3 elements must be a member of N. And this statement is true for all N belongs to N and small g belongs to G. Then you can say that this subgroup N is a normal subgroup. Getting? So, the important thing is, if I am taking one element from G, one element from A, another inverse of this G, what will be its answer? And whatever the answer you are be getting, that is a member of N. That is the meaning or is definition. Because of that, it is a definition. No doubt there is no words if and only if. But keep in mind, definition always give you result in both ways. Uska matlab, when N is a normal subgroup, then this will happen. And for any subgroup, if this condition is happening, then that subgroup is normal subgroup. Definition ka yahi kamal hota hai, wo dono ways se use kar sakte ho. So what is this fill in the blanks? Yahan kya likhoge aap? Yahan N का मेंबर आएगा और गलती आप यही करते हो कि इसका आंसर जो कि N का मेंबर आने वाला है तो आप लिखते हो N. ये पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये G और G इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. मेरे भाई, ये कैंसिल नहीं होगा. होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये G और ये G इनवर्स तभी आइडेंटिटी बनेंगे जब इसमें मैं कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा. और कम्यूटेटिव लॉ यूज करने के लिए आपका ग्रुप अबेलियन होना जरूरी है, जो कि आपको नहीं दिया है. इट इज जस्ट अ ग्रुप. सो हाउ यू कैन राइट एन जी इंस्टेड ऑफ जी एन? दैट्स व्हाई If you are writing, ये बहुत misunderstanding है students की, कि इसका answer member of N होना चाहिए, मतलब इसका answer N आना चाहिए. It is not correct. This is correct कि ये N का member होना चाहिए, लेकिन N में बहुत सारे element होते हैं N के अलावा. N तो एक element लिया था, उसको छोड़ के और भी तो बहुत सारे elements है, तो उसमें से कोई भी element वो हो सकता है. इट मे बी एन वन, इट मे बी एन टू, इट मे बी एन थ्री. बट यहां इतना ही याद रखना है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका आंसर एन ही आएगा जरूरी नहीं है. स्मॉल एन वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो इस कैपिटल एन का मेंबर होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. और अगर ऐसा होगा, then this subgroup N is called as normal subgroup of G. ठीक है? All right. लीमा देखा था आपने पिछले लेक्चर में, कि prove that a subgroup N is normal if and only if N is normal subgroup of G, if and only if. क्या देखा था? This is the element, this is the, that subgroup, inverse of the element is equal to N.
तो दिस लीमा वी कैन टेक एज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. तो इसलिए अगर कोई सब ग्रुप ऐसे बिहेव करता है तो हम उस एन को नॉर्मल बोल देंगे बिना डेफिनेशन के, क्योंकि अब ये प्रूव हो गया. या कोई सब ग्रुप ऑलरेडी मुझे पता है कि इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, देन वी कैन टेक दिस रेडीमेड. बट व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज कि इस कैपिटल एन में जितने एलिमेंट रहेंगे उन सभी एलिमेंट्स को जब आप लेफ्ट से जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, राइट से उस एलिमेंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो एन का ही कोई एलिमेंट होगा. फॉर द कन्वीनियंस आई एम कंसिडरिंग दिस इज एन टू, ताकि आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि इसका आंसर एन ही आता है. जरूरी नहीं है एन आना, कुछ भी आएगा बट वो एन का मेंबर रहेगा. अब ये एन टू जो है वो मेंबर ऑफ एन रहेगा, और ऐसा होता है. अब इसमें दिक्कत ये है कि अब हम मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? क्या ये भी नॉर्मल रहेगा? क्या मैं भी नॉर्मल, मे नॉट बी नॉर्मल? तो एन जब नॉर्मल रहता है तो इसमें जितने एलिमेंट आते हैं प्रोडक्ट में, मान लीजिए एन में 10 एलिमेंट है, कितने 10, तो ये ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी 10 ही एलिमेंट आएंगे और वो वही एलिमेंट रहेंगे जो एन के है. दैट इज द मीनिंग. इतना आसान थोड़ी रहता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समझना. यूज द लॉजिक, और ये लॉजिक आपको तर्क जो है ना वो इतना आपको परफेक्ट बनाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे. और इस तर्क का इस्तेमाल आप अपने फ्यूचर लाइफ में किसी भी फील्ड में कर सकते हो. अगर आप अच्छे वकील बनना चाहते हो तो ये तर्क सीखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे वकील बनेंगे. तो ये ऑलवेज अगर एन नॉर्मल है तो इक्वल टू एन ही होता है. अब एन अगर नॉर्मल नहीं रहेगा, एन इज ओनली सब ग्रुप, जस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका आंसर एन आएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी आ सकता है. सिर्फ एन सब ग्रुप रहेगा तो ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है. गेटिंग द पॉइंट? तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये मीनिंग है उस लीमा का जो पिछले लेक्चर में हमने पार्ट वन में पढ़ा था. ओके, नाउ वी विल सी सम अदर रिजल्ट्स. तो पहला रिजल्ट है प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप of abelian group is normal. अगर original group abelian है तो उसका हर सब ग्रुप बिना प्रूव किए अब आप ले सकते हो एज ए नॉर्मल. लेकिन कब? ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करके बताना होगा कि ऐसे होता ही है. सो हाउ टू राइट द प्रूफ? इट्स वेरी सिंपल, बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्रुप एंड दिस इज अबेलियन ग्रुप. सो यू फर्स्ट राइट गिवन दैट जी, जी तो उन्होंने नहीं दिया है तो हम लेते हैं, या आप गिवन दैट के जगह आप ये भी लिख सकते हो, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप.
हमने कुछ नहीं किया, जो उन्होंने बोला वही लिया, बस हमने उस ग्रुप को एक नाम दिया। ठीक है। नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग दिस कैपिटल जी इज एन अबेलियन ग्रुप, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज व्हेनेवर यू encounter with the product of any two elements of G, A into B suppose, then you can write BA instead of AB because of this abelian property or committed to law. So keep in mind, you are considering G as an abelian group, that means committed to law holds for every element of G, and therefore you can take its benefit for your result, to prove your result. Okay. Now, what you want to show? That every subgroup of this G is normal subgroup. Achha? Kitne subgroup rahenge? I don't know. Lekin jo bhi rahega, to aapko ek subgroup lena hoga. Take any subgroup. So I'm considering let N be any subgroup of G, any, and you have to prove that this any subgroup is always normal. So that's why I'm writing claim. Means what I want to show, that N is a normal subgroup. Okay. Now, the task is to show that this N is a normal subgroup of G. How we can prove it? What we have to prove it? I have definition of normal subgroup. I can use the property which is mentioned in the definition to show N is a normal subgroup. I have one lemma also, Gn, G inverse equal to capital N. That also we can use. But yaha hum use karenge definition. To definition isliye maine revise ki aapse ki uska meaning samjho. Kisi ko bhi normal subgroup prove karna hai, to you take one element, any one element from that subgroup to which you want to show that normal subgroup. तो यहां किसको बनना है normal subgroup? Capital N को. तो उसमें से आप कोई भी एक element लीजिए, दिखने में कैसा भी होगा वो, कुछ भी होगा, उसको आप एक letter से denote कीजिए. So आप letter कुछ भी ले सकते हो. तो मैं एक element ले रहा हूं, कोई भी, let N belongs to N. इसका मतलब होता है, I am considering any element of capital N and it is denoted by small n. Now actually we want to show that G भी लेना होगा. And what actually you want to show? That to show that this G, this N, this G inverse belongs to N. ये आपको prove करना है. तर्क लगाइए, जो डेटा आपको दिया है उसका यूज करके अब आपको फाइनली ये बताना है कि ये तीनों का प्रोडक्ट कैपिटल एन का मेंबर है. ठीक है. नाउ हु इज दिस स्मॉल जी? जी इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल जी. दिस इज अ इनवर्स, सो इनवर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रुप. बट व्हाट यू से अबाउट दिस मिडल एलिमेंट? This is a member of N. So since N is a member of capital N, and who is N? N is a subgroup. ये देखिए, subgroup लिया था आपने, any subgroup of G. And what is the characteristic of subgroup? Every element of the subgroup is a member of group. So if this small n is a member of subgroup, this N is also a member of group G. So this implies that N belongs to G.
Now, if you are observing this product of three elements, first element is a member of capital G. This is also now member of capital G, and this last element is also member of G. That means all the three elements are member of G, and G is what? Abelian group. Right? Therefore, this G and G inverse can be written as G and एक ब्रैकेट में डालिए ये G inverse कौन सा लॉ ग्रुप है ये ग्रुप के तीनों एलिमेंट है और ग्रुप में होता है एसोसिएटिव लॉ and due to this associative law we can write gn is equal to ng. Now after that you can use again associative law like this. ठीक है ये ब्रैकेट हमने इन दोनों को दिया. Now g and इसका इनवर्स क्या होता है इनवर्स लॉ के हिसाब से इसका आंसर आता है आइडेंटिटी इन दैट ग्रुप दैट इज ई इसको रीजन इनवर्स लॉ एंड आइडेंटिटी से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर बदलता नहीं है. सो एन इंटू आइडेंटिटी इज अगेन एन कौन सा लॉ आइडेंटिटी लॉ and see what you are getting this is small n and small n is a member of what n so this belongs to n but this small n is equal to this left side and therefore we can write g and g inverse belongs to n for all n belongs to n and g belongs to g. What is this? This is the definition of normal subgroup and that's why therefore n is a normal subgroup. Finish. देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर जो है वो n है और कुछ देर पहले मैंने ही बोला था कि इसका आंसर n n ही आएगा ये n ही आएगा ऐसा नहीं है n1 n2 लिया था मैंने लेकिन उस वक्त g अबेलियन नहीं था दैट्स व्हाई वहां आंसर n आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बट यहां अबेलियन है तो इसका आंसर हमेशा ये जो मिडल का एलिमेंट होता है वही आता है बट अगर आप इस अबेलियन वर्ड को यहां से हटा दोगे तब जाके इसका आंसर n आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहां एलिमेंट जरूर आएगा n का लेकिन वो n ही होगा जरूरी नहीं होगा इट मे बी अदर एलिमेंट ऑफ कैपिटल n दैट इज द मीनिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर राइट ओके नाउ लेट अस सी वन मोर रिजल्ट सो वी कैन राइट दिस रिजल्ट Prove that. It's very interesting. Intersection of two normal subgroups of G is again a normal. Again, a normal subgroup of G. This is the result. Now, feel the abstract algebra. It's very interesting. ऐसा मजा आ जाता है ना प्रूव करने के लिए लेकिन थोड़ा सा आपको ड्यूशन देना होगा समझना होगा मैथमेटिक्स को फील करना होगा लॉजिक को यूज करना होगा सो आई एम राइटिंग प्रूफ If you read the statement of this result, prove that. We want to show that. Intersection. Kiska? Dono ka.
कौन दो दो नॉर्मल सब ग्रुप अलग अलग है, किसके नॉर्मल सब ग्रुप, जी के। जी कैसा है, एबिलियन है, नहीं पता नहीं, मतलब जी इज एनी ग्रुप, कंसीडर इट्स टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, टेक इट्स इंटरसेक्शन एंड शो दैट दैट इंटरसेक्शन वट एवर यू विल गेट दैट इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द सेम जी। So for this purpose, we have to consider two normal subgroups. That's why I'm writing here, let N and M. कुछ भी नाम दे सकते हो आप, be any two normal subgroups. Of G. Okay, right. Now, what is the claim? Claim is to show that the intersection of this N and this M, the intersection is denoted by like this, is a normal subgroup of G. If you understood nicely the definition of normal subgroups, in the definition, N must be a subgroup first. And if that subgroup will satisfy some condition, one condition, G and G inverse belongs to G, then that subgroup is said to be normal. मतलब normal subgroup बनने के लिए उसको पहले उसका subgroup होना जरूरी है। अब ये जो चीज है इसको अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप बनना है तो ये चीज ऑब्वियसली सब ग्रुप होना जरूरी है, और सब ग्रुप होने के बाद वो एक कंडीशन भी होना जरूरी है, देन इट विल बिकम नॉर्मल सब ग्रुप अदरवाइज। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कंफर्म वेदर दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी और नॉट फर्स्ट, and later on we will see the condition of normal. So N is normal subgroup, वो अगर already normal subgroup है तो वो subgroup होगा, तो आप यहां लिखिए N is what, normal subgroup, अगर ये already normal subgroup है तो क्या ये N नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, सॉरी सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, होगा, इज अ सब ग्रुप। एम कौन है, एम ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये अगर ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप था इसलिए तो नॉर्मल बनाना, इसलिए एम इज अ सब ग्रुप। तो अब हमारे पास ये एन एम का सिर्फ सब ग्रुप है, ऐसा स्टेटमेंट आ गया, एन इज अ सब ग्रुप, एम इज अ सब ग्रुप, एंड वी नो दैट इन इन सब ग्रुप का जो हमने सेक्शन लिया उस सेक्शन में हमने देखा है कि जब दो सब ग्रुप होते हैं किसी के तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता ही है, तो ये आपको पता है रिजल्ट, सब ग्रुप के सेक्शन में हमने प्रूव किया था, इसलिए वो तो अभी यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ जी इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी। So N is a subgroup, M is a subgroup, and this result will help you to prove that N intersection M is a subgroup. Therefore, N intersection with M is a subgroup of G.
सब ग्रुप तो बन गया है. नाउ व्हाट यू वांट टू शो दैट, अभी इस सब ग्रुप को जो सब ग्रुप बना है इंटरसेक्शन उसको नॉर्मल सब ग्रुप को करना है. सो नाउ आवर क्लेम इज टू शो दैट एन इंटरसेक्शन एम इज नॉर्मल सब ग्रुप. किसका, वो भी जरूरी होता है, तुम्हारा या मेरा, ऑफ जी. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. वो ऑलरेडी सब ग्रुप तो बन चुका है, तो एक एलिमेंट आपको यहां से लेना होगा. डालिए हाथ, जो हाथ में आया उस एक एलिमेंट को लीजिए. अब मेरे हाथ में वो एलिमेंट है, उसको आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो. X से करो, Y से करो, Z से करो, N से करो, M से करो. लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म जो है ना वो इंपॉर्टेंट. कर्म क्या है, मतलब कहां से आया, किसका मेंबर है. तो ये तो आपने लिया, इसका ले रहे हो आप, तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हो. तो लेट, उसको मैंने नाम दिया X, थोड़ा हटके, बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन. नाउ डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये एलिमेंट N का भी मेंबर है और M का भी मेंबर है. सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू N एंड This X is also belongs to M. ठीक है, Now you take one element from G. वो तो डेफिनेशन में बोला ही है, एक एलिमेंट वहां से लेना है जिसको नॉर्मल सब ग्रुप बनना है, और एक एलिमेंट वहां से लेना है जिसका वो नॉर्मल सब ग्रुप बनना चाहता है. अब ये जो एलिमेंट है ये G, उसको लिखिए बीच में, ये जहां ये जिसको नॉर्मल सब ग्रुप बनना है उसका एलिमेंट जो आपने लिया वो लिखिए, और यहां लिखिए उसका इनवर्स. ओके, नाउ दिस एक्स इज अ मेंबर ऑफ एन, एंड एन, ओनली एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. सो देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज एन, सिंस कैन गिव द रीजन, सिंस एन इज नॉर्मल. नॉर्मल है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैंने वही लिखा है नॉर्मल. सिमिलरली जी एक्स, जी इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ एम, ये एम का भी है देखिए, और एम खुद नॉर्मल है तो ये तो होगा ही. यहां भी रीजन आएगा, सिंस एम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. Okay, now look at this element. This and this element is the same. And the same element, I am saying that it is a member of N as well as it is a member of M. Therefore, this element is a member of N and this element is again a member of M. तो एक ही प्रकार का एलिमेंट एन में भी है और एम में भी है. इसका मीनिंग क्या, कि वो एलिमेंट उस दोनों के इंटरसेक्शन में है. और यही तो प्रूव करना था आपको नॉर्मल के लिए. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एम, जी बिलोंग्स टू जी. दिस इज द statement from the definition. But according to definition, we have proved that this intersection is also a normal sub group. And therefore, N intersection M is also a normal subgroup of G. This is proof.